हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी। सो लेट अस फर्स्ट स्टडी द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी को हम हॉकिश मनी पॉलिसी बोलते हैं। हॉकिश मतलब इट्स वेरी अग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या फिर डियर मनी पॉलिसी टर्म्स भी यूज़ की जाती हैं। और इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, इस पॉलिसी का एम होता है टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इस तरह की मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फर्स्ट इज़ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अनदर ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट, दैट इज़ टू चेक द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। अगर रुपी का डेप्रिसिएशन चेक करना है देन वी नीड टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। जब मनी सप्लाई रिड्यूस होगी इसका मतलब इकॉनमी के अंदर रुपीज़ कम होंगे, और अगर रुपीज़ कम होंगे तो डिमांड फॉर डॉलर विल ऑल्सो रिड्यूस। दैट्स वाई इट विल चेक द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी एंड इट विल स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डॉलर 80 रुपये का है और मान लीजिए हम इंडियंस जो है वो अपना इम्पोर्ट बढ़ा देते हैं, नाउ द इम्पोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड, सो इससे क्या होगा, द डिमांड फॉर डॉलर विल इंक्रीज़, क्योंकि इम्पोर्ट करेंगे तो पेमेंट तो हमें डॉलर में करनी पड़ेगी। सो इससे क्या होगा, वन डॉलर विल बिकम इक्वल टू से 81 रुपीज़। अर्लियर वन डॉलर वॉज इक्वल टू 80 रुपीज़, नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डॉलर, वन डॉलर विल बी इक्वल टू 81 रुपीज़। लेट मी राइट इट हेयर, द कंडीशन अर्लियर से $1 इज़ इक्वल टू 80 रुपीज़। सो नाउ सपोज इम्पोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड एंड ड्यू टू इंक्रीज इम्पोर्ट्स व्हाट हैज़ हैपन्ड, नाउ $1 इज हैज़ बिकम इक्वल टू 81 रुपीज़। तो जो रुपीज़ है वो 80 से 81 हो गया, इसका मतलब रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड। ये सारे कंसेप्ट जो है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आई एम रिपीटिंग इट अगेन। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी को अगर कंट्रोल करना है तो डिमांड ऑफ डॉलर जो है उसे हमें कंट्रोल करना होगा, एंड द डिमांड ऑफ डॉलर विल डिपेंड ऑन व्हाट यू विल पे टू गेट दैट डॉलर एंड यू विल पे रुपीज़ टू गेट डॉलर। तो अगर मॉनेटरी सिस्टम के अंदर रुपीज़ ही कम हो जाएंगी देन यू विल नॉट बी एबल टू बाय मच डॉलर्स। इफ़ देर आर लेस रुपीज़ इन द इकॉनमी देन यू विल बी एबल टू बाय लेस डॉलर्स, तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी एंड दिस रुपी विल अगेन रिटर्न बैक टू इट्स अर्लियर वैल्यू, दैट इज़ फ्रॉम 81 to 80 रुपीज़। तो इस तरह से रुपीज़ का जो डेप्रिसिएशन है अगेंस्ट डॉलर वो कम हो जाएगा और जो हमारा एक्सचेंज रेट है इट विल स्टेबलाइज। आई विल रिपीट इट अगेन, इफ़ RBI रिड्यूसेज मनी सप्लाई इन द इकॉनमी दैट मीन्स दैट देर इज़ लेस रुपी इन द इकॉनमी एंड लेस रुपीज मीन्स लेस डिमांड फॉर द डॉलर एंड दिस विल चेक द रुपीज डेप्रिसिएशन। आई होप आई एम क्लियर नाउ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर हमें मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो CRR कैश रिजर्व रेशियो को, जो CRR रेट होता है उसको हमें इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। RBI शुड इंक्रीज CRR और RBI शुड डिक्रीज CRR इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। द आंसर इज़ RBI शुड इंक्रीज द CRR बिकॉज वेन CRR इंक्रीज दिस मीन्स दैट मोर मनी इज़ नाउ More money will be held up with the RBI and less money will be available for the lending. Therefore, money supply in the economy will reduce. Similarly, जो SLR होता है, statutory liquidity ratio, it should also be increased. CRR should also be increased and SLR should also be increased in order to reduce the money supply in the economy. SLR increase होने से now banks have to keep their money parked in the government securities or cash. And that means less money will be available for the lending. That's why SLR increase will lead to reduce in the money supply in the economy or contractionary monetary policy. इसी तरह से contractionary monetary policy के अंदर जो bank rates होते हैं, bank rates को भी increase किया जाता है। Bank rate अगर increase होंगे इसका मतलब banks को अगर RBI से borrow करना है, now they have to pay more interest on that borrowed money. That's why, therefore, this will lead to less borrowing by the banks and in turn it will lead to less lending by the banks to the public. और इसी तरह से
जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है एंड जो MSF रेट है उसको भी इंक्रीज़ करना पड़ता है अगर RBI को मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं रीज़न क्या है। रीज़न सबके सेम ही है लगभग, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF रेट, ये सब मैं पुराने लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ। तो प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को रेफ़र कीजिए अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो रही है। तो आपको बस यहाँ पे मोटा मोटा ये याद रखना है कि जब भी कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी देन RBI, व्हाट RBI हैज़ टू डू, RBI हैज़ टू इंक्रीज़ SLR, इंक्रीज़ कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज़ बैंक रेट, इंक्रीज़ रेपो रेट, इंक्रीज़ रिवर्स रेपो रेट एंड इंक्रीज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मोटा मोटा गणित यही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है देन वेदर इट शुड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और इट शुड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो RBI को क्या करना होगा अगर RBI को कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लानी है। तो RBI अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस शुड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल करने से क्या होगा, RBI विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड इन रिटर्न इट विल सक आउट द मनी फ्रॉम द मार्केट। तो इससे जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। दैट्स वाई इन और ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI शुड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रेक्शनरी मतलब जो मनी सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है इन द इकॉनमी। दैट्स वाई इट इज़ कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड दिस विल लीड टू टाइट लिक्विडिटी कंडीशन इन द इकॉनमी। और इसको हॉकिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि RBI का जो रवैया होता है बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है। बिकॉज RBI नाउ वांट्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट, दैट्स वाई RBI इंक्रीजेज द रेट्स। तो इसको एक तरह से हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। और साथ ही साथ इसे डियर मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोरोइंग मनी बिकम्स डियरर इन केस ऑफ कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई हो जाते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज हमने अभी स्टडी किया था कि ऑल द CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF रेट, सभी रेट्स इंक्रीज हो गए हैं। दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीजेज, दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज वेरी हाई। दैट्स वाई इट्स अ डियर मॉनिटरी पॉलिसी। जब बैंक्स को हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा तो आगे बैंक्स जो लेंड करेंगे आम जनता को, पब्लिक को, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर ही करेंगे। दैट्स वाई इट इज़ डियर मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस टाइम पर क्या होता है कि जो जैसे हाउस लोन्स हैं उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाते हैं। इस तरह से जो व्हीकल लोन है उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। तो आम जनता के लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू डियर मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ लेट अस स्टडी द सेकेंड मॉनेटरी पॉलिसी विच इज़ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी विच इज़ एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को हम एकोमोडेटिव और डोविश मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। इट एम्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इस मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव जो होता है इज़ टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी that will lead to increase in the aggregate demand in the economy and this will promote the economic growth. ये हम already previous lectures में study कर चुके हैं। And by promoting economic growth, this will counter the economic recession in the economy. For example, जब COVID-19 आया था तब ये जो economy है उस पर demand एकदम से कम हो गई। That's why to boost the aggregate demand in the economy, expansionary monetary policy was used टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। और जैसा कि हमने प्रीवियस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टडी किया था, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होगा, जो SLR है, CRR है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है और MSF रेट है, इन सबको डिक्रीज़ किया जाएगा ताकि मनी सप्लाई इन द इकॉनमी इंक्रीज़ हो सके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्ट्रेक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। थैंक यू।